जी नाजरीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका है और इस बार तो ये सुनने में आ रहा है कि कब्जा माफिया के साथ पुलिस अफसरान भी खुद मुलविस हैं। वो पुलिस जिन्होंने अवाम की जान माल और इसके अलावा उनका तहफ्फुज़ करना था, वो खुद इन सब में मुलविस हैं और लोगों को हरासा कर रहे हैं, और बजाय इसके कि लोगों की दादरसी करने के, चंद रकम चंद पैसों की खातिर वो जो है अपना ज़मीर बेचने पे मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ एक साहिल मौजूद हैं जो कि कबीरवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी भी ज़मीन और जायदाद का मामला है, जो इशू है वो ये है कि इनकी जो ज़मीन है उस पर इनके अपने ही सगे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये तकरीबन 2-3 महीनों से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं, कबीरवाला में जा रही हैं, इसके अलावा मुल्तान में भी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन बजाय इसके कि अफसरान बाला इनकी दादरसी करें, वो दूसरे जो मुखालिफ पार्टी हैं उनके साथ जा ठहरे हुए। इन्हीं से इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि क्या मामला है, दरअसल किस तरह से ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, किन किन अफसरान के पास गए हैं और अफसरान का क्या कहना है। जी बाबा जी, बताइएगा क्या मसला है आपका। मैंने जी, मेरा भाई जी एक फौत हो गया, उन्हें रकबा उसको हमोल लिया, वो ना जनाब अब दूसरी पार्टी ने आन के ऐसे जनाब मेरे रकबे से कब्जा कर लिया। कब्जा कर पड़ेवा ने उन्हें कब्जा कर लिया। मैं जनाब 15 से कॉल की थी मेरे ठेकेदार नू, उन्होंने जनाब आन के ते हलवाए हलवा के ते मेरे ठेकेदार नू भजा कढ़िया। मेरा ठेकेदार की फसल जी चुक के पर छोड़ दी थी, ते मुड़ उस तो बाद जनाब मैं 15 से कॉल की थी, 15 कॉल वाले अफसराना आए, वो जी मौका वेख्या, उन्होंने मैं आख्या आ जाओ, उन्होंने आख्या जी आ जाओ थाने। मैं जनाब थाने गया, मेरी थाने लग को नहीं सुनी। मैं जनाब 2 दफ़ा गया वहाँ, मेरी थानेदार थानेदार ने जनाब उल्टा उस माई नू रात 10 बजे इस्तेमाल करा के ते कब्जा 6 बीघे का, जो 6 कनाल की मालिक है, ते 6 बीघे का कब्जा दिता, उन्होंने ठेका लै किया, उन्हें जनाब पैसे लैके उन्होंने मेरा कोई काम ही नहीं किया। उस तो बाद जनाब कि मैं जज साहब को जिथे मेरा केस चल रहा, जमीन का रकबा चल रहा, उत्थे जज ने मैं रिट आन के की, उन्हें परचे के आर्डर दिते, जनाब एस एच ओ को मैं जाके लैके गया, एस एच ओ मेरी कोई नहीं सुनी। क्या नाम है एस एच ओ का? एस एच ओ निशान लाई, उन्हें जनाब परचा दिता, फिर मैं जज को आन के रिट की, जज ने परचे के आर्डर देते, जे आर्डर दिते फिर मैं परचे के आर्डर लैके गया, उन्हें जनाब मेरा परचा नहीं दिता, फिर जज ने जनाब बकायदा उन्होंने सद लिया भाई इधर मैं जवाब दे, उन्हें आन के जनाब फिर एफ आई आर कट के दी मैं। उस तो बाद इस ताई मेरे मुलजम जिदन सीता हस्पतालों थाने तेरा खुदा कचहरियाँ DSP SP DPO को फिर ना कोई जमानत करवाई है ना उन्हें कोई गल की है। मैं जनाब DPO को साहब की पेश होया, DPO मेरी कोई नहीं सुनी। मुड़ जनाब के मैं RPO को गया, दूसरा DSP को, DSP मेरी कोई नहीं सुनी, सारे मैं भाजपा इस चलते मेरा इंसाफ कोई नहीं हो रहा। जनाब मेहरबानी करके मरियम नमाज शबाज शरीफ जनाब मेरी हलफजाई कर, मेहरबानी कर, मेरा इंसाफ दिलाया जाए। जी नाजरीन, आपने सुना जिस तरह से पुलिस को बजाय इसके कि दोनों पार्टीज़ को बुला के दोनों की जो भी मौक़िफ़ है वो सुनना चाहिए था, बजाय इसके कि दोनों पार्टीज़ की दादरसी करती, दोनों का मौक़िफ़ सुनती, पुलिस एक की तरफ हो गई है और जो दूसरी पार्टी है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर खाने पर मजबूर है। DPO DSP और SHO साहिबान जो है उनसे गुजारिश है इनकी कि हमारी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा ख़त्म करा के हमें इंसाफ फराहम किया जाए।